नमस्कार, मैं हूं रवि किशन और क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में आपका मैं स्वागत करता हूं। प्यार में छुपके मिलने का मजा ही अलग है, पता है? अच्छा, बापू और भाई ने देख लिया ना, तब पता चलेगा प्यार में मिलने का मजा क्या होता है। देख लेंगे तो बता भी देंगे। चुप कर। बापू मेरे पास। चुप कर। बापू। बापू। तू हमारी बेटी है, थारे को नहीं मारेंगे। लेकिन कुंदन बेटा, इसके हाथ पैर के हड्डियां तोड़ दो, फिर इसकी सांसें बंद कर देंगे। शादी करना चाहते हैं, जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ। बीच में से हट। नहीं। थोड़ी हम कह रहे हैं बीच में से हट। नहीं। प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, क्या तकलीफ है? बताऊं थारे को क्या तकलीफ है? हाँ? ना बेटा, गर्मी से काम नहीं चलता है। ये प्रकाश गुप्ता का छोरा है, आरा फैक्ट्री वाला। प्रकाश गुप्ता का छोरा है? जी। शादी करना चाहता है सुमन से? जी, मैं इससे शादी करना चाहूंगा, मैं इसको खुश रखूंगा हमेशा। अब प्यार करता है तो खुश तो रखेगा ही। चल करा देते हैं थारी शादी सुमन से, पर एक हाथ ले और एक हाथ दे। मतलब? थारी छोटी बहन है ना? हाँ। उसकी शादी मारे से करवा दो। दोनों घर से एक बेटी जाएगी, एक बेटी आएगी, दोनों घर की कमी पूरी। आटा साटा, समझते हो ना? सदियों से चली आ रही प्रथा है हमारे गांव की। बोलो है मंजू? मेरी लाटो की उम्र 20 साल है और अपनी उम्र देख तोड़ नहीं बैठता। मैं ना करा रहा अपनी बहन की शादी तेरे से। तो मैं भी ना करा रहा अपनी सुमन की शादी थारे से, समझा? चल निकल। तुम अपनी बहन के प्यार के लिए? सुमन, कोयल की उम्र और इसकी उम्र देखो। तू पढ़ना चाहती, टीचर बनना चाहती, उसकी शादी कैसे? कैसे? और मैं मरूं या जीऊं तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ ठीक है, तुम अपनी बहन देखो। क्या कर रही हो सुमन? तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रणधीर, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तुम भाई की शर्त नहीं मान सकते, पर मैं तुमसे दूर होकर नहीं जी सकती। मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बताओ मैं क्या करूँ, बोलो। शादी कर लेते हैं। पक्का? हाँ। पर तुम्हारी बहन? मैं कोयल से बात करूंगा, पर तुम? भैया, आपको पता है मेरे एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया। अगले 5 तारीख से मेरे एग्जाम्स हैं। अच्छा है? सिर्फ अच्छा है? आपको तो खुश होना चाहिए। क्या हो गया? तुझे एडमिट कार्ड की पड़ी और मुझे तेरी शादी की चिंता है। मेरी शादी की चिंता अभी से क्यों? देखो, पहले ना मैं एग्जाम्स क्लियर करूंगी, फिर बनूंगी मैं टीचर, और फिर ना मैं पूरे गाँव वालों को पढ़ाऊंगी, उसके बाद शादी का सोचेंगे। ठीक है?
क्या हुआ भैया, सब ठीक है ना? मैं सुमन से मिलने गया था आज। तेरी छोटी बहन है ना, हाँ। उसकी शादी मारे से करवा दो। आटा साटा। क्या कर रही हो सुमन? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रणदीप, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मरने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। आपने हाँ कर दी? आपने मेरी शादी उस कुंदन से करवाने के लिए हाँ कर दी? ये जानते हुए भी कि वो कितना बदनाम और बुरा इंसान है, वो कॉलेज में मेरी सहेलियों को छेड़ता है, गांव की और मोहल्ले की सारी औरतें डरती है उससे। भैया, उसने अपनी खुद की बीवी को मार दिया। मुझे नहीं करनी शादी। ऐसा गंदा इंसान अभी भी किसी इंसान के साथ गंदा काम कर रहा होगा। छोड़िए, छोड़िए हमें। क्या कर रहे हैं आप? हम बाल बच्चे वाले हैं। अरे, वही तो पसंद है हमें, बाल बच्चे वाली। कोई देख लेगा साहब। अरे, हम किसी को देखने ही नहीं देंगे। बैठो, यहीं बैठना। और अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं आपके और सुमन की शादी के बीच में आ रही हूँ, तो एक काम करिए, आप मुझे जहर देके मार दीजिए। लेकिन ऐसे इंसान से मैं मरते दम तक शादी नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं। मर जाने दे मुझे। शादी नहीं करूंगा तो सुमन मर जाएगी, इससे अच्छा तो मैं ही मर जाता हूँ। सबकी जिंदगी आसान हो जाएगी, सब अपनी जिंदगी जी लेना। तू टीचर बन जाइयो, सुमन मुझे भूल जाएगी, सब भूल जाते हैं। अम्मा चली गई, बाबू जी चले गए, मैं मर जाता हूँ ना, सबको छुटकारा मिल जाएगा मुझसे। नहीं भैया, ऐसे मत बोलो। तुम्हारी जान से बढ़कर मेरी जान नहीं है, पढ़ाई भी नहीं है, सपने भी नहीं है, कुछ नहीं है। जो बोलोगे मैं वो करूंगी, जिससे बोलोगे उससे शादी करूंगी, पर प्लीज अपने आप को कुछ भी मत करो भैया, प्लीज। नहीं भैया, अपने आप को कुछ भी मत करना भैया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणेश ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनु हरि। नहीं, मैं शादी नहीं कर सकती, अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अरे छोरी भाग के कहाँ जा रही है? और रणधीर, बात नहीं की थी क्या? जा, बहन को लेके आ। नहीं भाई, नहीं, पति जाएगा पत्नी को लेने। अच्छा भागती है, लेकिन भाग के जाएगी कहाँ? थारे को तो मैं कभी भी पालू मार दू, लेकिन थारे भाई के बारे में सोचिए, उसका क्या हाल करेंगे? नहीं नहीं नहीं, प्लीज भैया को कुछ मत करना। नहीं, वादा किया है वो मारे से, ब्याह कराएगा हमारा। अब तू भाग जाएगी तो वादा टूट जाएगा। हा? कुंदन अपने साथ वादा खिलाफी करने वालों को सीधा ऊपर पहुंचा देता है, अरे भाई को भी ना।
रणधीर, रणधीर बेटा, रणधीर। भैया डॉक्टर को लाने गए हैं माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा माँ। कोयल बेटा, तुम छोटी हो मगर बड़ी बहन बनकर तुम रणधीर को संभाल लेना। तू जानती है कि रणधीर का दिल बहुत ही कमजोर है, पता है ना बेटा? आता करो कि तुम कर बेटा। मैं वादा करती हूँ माँ। माँ, 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 माँ। होश में आ जा, नहीं तो थारे भाई को भी यहीं लेके आता हूँ और थारे सामने अभी। नहीं नहीं, भैया को कुछ मत करना प्लीज। शादी करेगी मारे से? करूंगी, थोड़े टाइम के लिए बैठ गई थी, मैं अपने पर्दों से पीछे हट रही थी। अब थारे को जिंदगी भर बहकने नहीं दूंगा। चल तू। खुश रहना। अम्मा को वादा किया था कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, टूट गया वादा। तो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी मेरी लाडो रानी। मैं आता रहूंगा। भैया आते रहेंगे तुम्हारे, अब जाने दे। मेरी बहन का ख्याल रखना कुंदन भाई। अरे भाई नहीं, जीजा जी बोलो अब। जीजा जी। हाँ ठीक है, चाहो अब। मैं आता रहूंगा, फोन करती रहना। हाँ ठीक है, करती रहेगी, उसकी भी शादी हुई अभी, अब चलो उसे आराम करने दो। चले
अम्मा को वादा किया था कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, टूट गया वादा। तुमने अपनी लाडो को अपने स्वार्थ के लिए नरक में झोंक दिया रणधीर, पाप किया है तुमने, पापी हो तुम। क्या हुआ? इतना सैड क्यों? अपनी सुहागरात के दिन कोई ऐसी सूरत बना के रहता है? अरे आज की रात सोने की ना है। बोलो ना, आपको नींद आ रही है? कुंदन की मर्जी में ना है ही नहीं, आज कोई नहीं सोएगा। शांत हो जा, चेताया था ना मैंने, तुम्हारे भाई के साथ कुछ भी कर सकता हूँ, याद है ना? नवी महारानी, झाड़ू ही लगाती रहेगी कि चाय पानी देगी? जी तो है बाबूजी। अरे रखी थी तो बता देती ना। ये चाय है? ये ठंडी चाय है? दूसरे बना के ला। अरे अरे बापू, ये कर रहा है बापू? मारी नई नवेली दुल्हन को जला दोगे के? तू कौन सा कम है, तूने भी तो पहली वाली लुगाई को जलाकर मार दिया था। थोड़ा धीरे बोलोगे, अब क्या फांसी चढ़वा के ही मानोगे? तू क्या कर रही है?
चाय बना के ले आ, गर्मा गर्म। थोड़ा ठंड रखा करो बापू। कोयल, कोयल। अरे और जोर से चिल्ला, मन्ने तो घर में कहीं नहीं दिखी। नहीं दिखी माने? कहीं कहाँ? अरे शादी करा दी है, अब खोज खबरी भी मैं ही रखूँ उसकी। जा ढूंढ ले जाकर। सुबह खोलती हुई चाय आप फेंके थे उस पर, ये अपने घर तो ना चली गई। कोयल, कोयल, अकेले अकेले पढ़ाई हो रही है। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में एग्जाम देना है। क्यों बोली टीचर? फिर मारे को पढ़ाई। ये तो ना हो सके। नहीं, वही करेगी जो मारे को पसंद है। और मारे को पसंद है ये। अरे मिली क्या थारी लुगाई? हाँ मिल गई बापू, थोड़ा चाय बनाना सिखा रहा हूँ। एक कितना अच्छा तो बना है। अच्छा, बस एक एक ग्लास। अच्छा, लो, लो, लो। और खिलाओ। रहने दो उसे, वहीं बजने दो। जब भी मूड बनने लगता है इसे जरूर बजना होता है। देखना तो पड़ेगा ना डार्लिंग। एक बार कौन दिखा? पार्टी का है, पार्टी का। तुम बैठो और खाना खाओ, मैं भी आ। हेलो लाडो, हेलो लाडो, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो लाडो बोलना। हेलो फोन भी किया और बात भी, सब ठीक तो है ना? जाकर देखना पड़ेगा। पत्तेबाज तो बड़े वाले हो, सब जानते हैं शर्फीलाल, बेटे से ही बेईमानी। हाथ की सफाई को बेईमानी नहीं बोलते कुंदन बाबू, कलाकारी बोलते हैं। फेंको पत्ते। अरे हम फेंक चुके हैं बापू, भी उठाना है। जयराम पापा जी। जयराम जी। हाँ जय ही है। अरे बापू थारी जान से, चलो।
और अंधेरे बाबू अकेले आ गए, सुमन को भी लेते आते साथ? भैया काम से निकला था पार्टी से मिलने, तो सोचा कि कोयल से मिलते जाऊं। कहाँ है? कौन? कोयल? हाँ सो रही। मैं मिल जाता हूँ उससे, उसका कॉल आया था कल, बात नहीं हो पाई उससे। फोन करी शीतल ने? हाँ मैं मिल के आता हूँ उसे। अरे को बताई को नहीं? अरे जब बोला सो रही है तो बड़े अजीब हैं दोनों भाई बहन। समझ गए, अजीब लोग ही हमारे चक्कर में फंसते हैं कुंदन बाबू। कोयल मिल लिए, हो गई तसल्ली जी? चलो अब जाओ, पार्टी से मिलने निकले थे ना, जाओ। ऑल द बेस्ट। रणवीर बाबू अगली बार आओगे ना तो सुमन को साथ में लेते आना, अकेले नहीं आना। जी ऑल द बेस्ट, पार्टी से मिल के लेना अच्छे से। अरे भाई का फोन आ रहा है, कर ले बात। ले मैं उठा देता हूँ, ले ले कर ले बात। नहीं करनी? अच्छा हमारे सामने नहीं करनी, कोई ना, ले रख दिया फोन, जा रहा हूं दूर, कर ले बात। है बापू, अरे शादी में जा रहे हैं, बटन सटन लगा के हीरो बन के जा। थारा बेटा पैदा ही हीरो हुआ है बापू। अरे ये मर जाएगी, डॉक्टर डॉक्टर के पास ले जाएगी। ओके बोलेंगे डॉक्टर से, क्या हुआ इसको? अपने आप ठीक होना होगा तो हो जाएगी। ए खांसना बंद कर और काम पूरा कर। नौटंकी। चले बापू चलो, आज तो परफ्यूम अरफ्यूम एकदम। मैंने अपने कपड़े रख लिए हैं, तुम बताओ क्या लेना है? बाद में चलते हैं सुमन। बाद में का खेल खत्म अब, बहुत दिनों से सुन रही हो बाद में बाद में। हम कश्मीर जा रहे हैं तो जा रहे हैं। हमेशा गलत वक्त पे बजता है, कौन है? पार्टी है। तुम करो अपनी पार्टी से बात, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। हेलो हेलो कोयल, हेलो हेलो लाडो बोलना, तू ठीक है ना?
हेलो हेलो, मैं तेरे घर भी आया था, तेरे को आवाज आ रही है मेरी? तुम बोल क्यों नहीं रही है? रुक, मैं घर आ रहा हूँ, ठीक है? कोयल, क्या हुआ? क्या हुआ कोयल? कोयल बोलना, क्या हुआ है? क्या हालत बना रखी है? तबीयत खराब है? बोलना, बोल क्यों नहीं रही है? बोलना, एक घर से निकलते वक्त ही ले लेता ना दवाई, आधे रास्ते से लौट के वापस आना पड़ा। बेटा बीपी बढ़ रहा है, बेटा बहुत तकलीफ हो जाएगी, दवाई लेकर बस चलते हैं, टाइम पर पहुंच जाएंगे। जल्दी करो बापू, बारात आ गई ना, तो बचा कुचा खाना मिलेगा। हो गया कुल? ये तो चला हुआ है, कैसे हुआ ये? हिल हिल, टिक के बता। घरवाली नहीं दिखाई दे रही यार। अरे उसको डॉक्टर को दिखा, पता नहीं क्या हो गया उसको, बोलती नहीं है कुछ। क्या किया उसके साथ? वो उस दिन ये बदतमीजी है, बिना आवाज दे कमरे में घुसी चली आओगी, निकलो यहाँ से। हम जा रहे। अरे तुम कहाँ जा रही हो? सुनो, हम जा रहे हैं, आप अपना परिवार संभालिए। अरे मैंने कहा था थारे को यहाँ आने के लिए, कहा था। लेकिन उसको तो कहा होगा ना यहाँ आने के लिए। सालों से आ रही, रोज आती है, अपनी मर्जी से आती है और खुश होकर जाती है, समझी? मैं भैया को बताऊंगी आपके बारे में, आप ये सब जो भी कर रहे हैं ना घर में, और उसके भी घर वालों को सब कुछ बताऊंगी, मैं सब बता दूंगी। क्या बोली? बताएगी सबको? हाँ, सबको बता दूंगी मैं। सबको बताएगी? हाँ, अगर अपना मुंह खोला ना तो थारी ये जवान है ना, जला दूंगा, समझी? माफी मांग रहे हैं थारे से, गलती हो गई, हाथ नहीं उठाना चाहिए था, तू तो जानती है ना, गुस्सा आता है तो रोक नहीं पाते अपने आप को, माफ कर दे यार। देख खाना लेकर आए हम, देख ले, खा।
खा ले। अरे खा ले, इतने प्यार से बोल रहे हैं। चल मैं थारे को अपने हाथ से खिलाता हूं। मुंह बंद करना था, जलता कोयला डाल दिया, अक्के करता। ता कुंदन बाबू, तू तो अपने बाप का भी बाप निकला। बाप बेटा रास्ते में कर लेंगे, नहीं तो भूखे घर लौटना पड़ेगा। हाँ। अभी ठीक लग रहा है? मस्त। चलो चलो खराब कर देते। लो छोड़ दिया, मन करे तो आ जाना। लाडो से उसके सपने, उसकी जिंदगी, उसकी खिचड़ सब कुछ छीन लिया। तुझे जीने को क्यों बचा रही है जंगली जानवर को? मैं आज इसे मारे बगैर नहीं जाऊंगा। देखा है, ये तुझे बचा रही है, मुझे बचा रही है। हम दोनों जो इसके दुखों के जन्मदाता है ना, ये अभी भी हम दोनों पापियों को बचाना चाहती है। माफ कर दे मुझे। कोयल, कोयल, लाडो, लाडो बोल ना, लाडो, पापा, लाडो, कोयल, कोयल आके कोल, कोयल, क्या हो गया बेटा? बापू, डॉक्टर को बुला बापू। कोयल, कोयल, पागल हो गए क्या? डॉक्टर को क्या बोलेगा? ये सब कैसे हुआ? बताऊंगा, मैं सब बताऊंगा डॉक्टर को। मैंने चलाया अपनी अपनी भी कोयला डाल दिया उसके मुंह में, मैं बताऊंगा। कोई कोयल, भैया दिया मैंने तन्ने, प्यारा हूं मैं तारा, सच कहा था तूने।
शैतान हूं मैं, शैतान। दुनिया की कोई भी सजा हमारे पाप को कम नहीं कर सके। आपका बोझ दोनों को लेके जीना, लेकिन एक और सजा दूंगा तुझे कुंदन बाबू, जो मेरे लिए पश्चाताप होगा। तो मैंने अपने लाडो के साथ किया, तो तेरी बहन के साथ भी होगा। रखो अपनी बहन को अपने पास, उसका उजड़ा हुआ संसार देख के तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें बार बार याद आएगा कि कुदरत अपना बदला जरूर लेती। दोनों के फैसलों ने हमारी बहनों के जीवन को खत्म कर दिया, बस आपकी सजा बची है और पश्चाताप, इसके साथ हम दोनों को जीना है। ऐसे संकेत से रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम इशारा।